शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मोला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मोला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मोला माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी कृष्ण वसती वसती भाली परम आदरे वारी कृष्ण वसती वसती भाली परम आदरे वारी कृष्ण वसती वसती भाली परम आदर वारी स्थान हरि बवामी प्रणयी भगत संगे सब स्थान हरि बवामी प्रणयी भगत संगे से सब स्थान हरि बवामी प्रणयी भगत संगे अवसर सदा जाचे मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाचे गौर बेहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे माधव तोषण जानी तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी
से माने जीवन सार्थक मानी। सार्थक मानी पूरा प्रिया सख सेवा जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
स्वामी शिलो प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमचर शिल हरदास ठाकुर की सामवेत भक्त वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की मेरठ के गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद भागवताम की जगन्नाथ रथ यात्रा की निताय गौर प्रेमानंद सब भक्तों की जय जयकार हो। मेरठ के भक्तों की जय जयकार हो। वृंदावन के भक्तों की जय जयकार हो। बाकी भी सारे दुनिया के भक्तों की जय जयकार। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदामायं स्वयं रूप कदामायं ददाति स्वपदंतिकां ददाति स्वपदंतिकां हे कृष्ण करुणा सिंधो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओम विष्णुपादाय नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी तो जो भजन अभी हमने गाया उसका अर्थ आप सभी जानने के लिए उत्सुक हो गए, शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आया क्योंकि बंगाली में भजन है। उसका हिंदी का अनुवाद आपको बताते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा
परम सिद्धि प्रेमलतिकर मूला। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। किसका भजन किया जाना चाहिए? शुद्ध भक्तों की चरण रज का भजन। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। जैसे यहां परम दास प्रभु आए हुए हैं, ऐसे परम सिद्धि भक्तों की सेवा। तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। जो भक्तों की सेवा है वो प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। इसके बारे में आगे और बताएंगे। माधव तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, कृष्ण वसति वसति बली परम आदर वरी। माधव तिथि या एकाची भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। अगर हम सही स्थान को अपना निवास स्थान चुनेंगे तभी तो कभी वो निवास स्थान हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम निवास स्थान यहाँ भौतिक संसार में ही ढूंढते रहेंगे तो फिर हम भौतिक संसार में ही घूमते रहेंगे। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों पर आनंद पूर्वक भ्रमण किया है, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन उन स्थानों का दर्शन करूंगा। ये तीर्थ धाम तीर्थ यात्रा पे जाने की बात हो रही है। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है। और गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा मन नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूं। ये वाला तो आसान है। महाप्रसाद का सेवन कौन कौन करता है यहां? महाप्रसाद का सेवन करने से माया को जीता जा सकता है। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान के चरणामृत और गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। कौन सी लाइन है? जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाया। जिस दिन घर में भजन कीर्तन हो घर गोलोक हो जाता। चरण सिंधु देखी या गंगा सुखी ना सीमा पाया। भगवान के चरणामृत और गंगा जी का दर्शन करके सुख की सीमा नहीं रहती। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। माधव प्रिय तुलसी जी का दर्शन करके त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूं। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह करने के लिए जो कुछ पाता है यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुख पूर्वक ग्रहण करता है। ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है।
इसमें माधव तिथि या एकादशी के बारे में बताया गया है जो आज है। तो हमने पहले पूछा कि कितने लोग एकादशी जानते हैं और कितने लोग एकादशी करते हैं और कितने लोग एकादशी नहीं करते। बहुत से लोग एकादशी नहीं करते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। आज आपको इस सत्संग में ये भक्तजन बताएंगे कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। कोई माइक लेके तैयार है? सची चंद्र गौड़ प्रभु, कौन बताएगा सबसे पहले कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? पुरुषों में कोई, पुरुषों का झंडा ऊंचा करने के लिए एक है, ये आगे वाली माता जी मिसेस कर्णवाल, स्वाति की मम्मी, हली हरी बोल, आपको बताना है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी एकादशी है, ये भगवान कान्हा जी को सबसे प्रिय है, इसलिए हम एकादशी का व्रत रखते हैं। गुड, वेरी गुड। हरे कृष्ण। ये वाली माता जी भी बताना चाहती हैं, सुमित की मम्मी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि ये कृष्णा की प्रिय है, दूसरा इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि एकादशी का मतलब है 11, और 11 इंद्रियों को बस में रखना, कम से कम हम एक महीने कुछ ना कर सके तो एक दिन तो 11 इंद्रियों को बस में कर लें। इसका अर्थ मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है, इसलिए कृष्ण की तो प्रिय है। और अगर सभी एकादशी करें तो महीने में दो बार, महीने में दो बार ही करनी चाहिए, इसका व्रत होता ही महीने में दो बार। ओ प्रभु जी पीछे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। प्रभु जी जो, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ प्रभु जी, एकादशी के दिन अन्न में पाप वास करता है, इसलिए हमें व्रत का पारायण करना, व्रत रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर अन्न ग्रहण करेंगे तो हम पाप को ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकादशी को जब वरदान दिया गया था कि इस दिन तुम पूरे संसार में वास करोगी, और तब पाप ने कहा कि मैं कहाँ वास करूँगा प्रभु अगर सभी आपका व्रत रखेंगे, तो भगवान ने उन्हें कहा कि तुम अन्न में वास करना, जो लोग मेरे व्रत का नहीं रखेंगे उसमें वो तुम्हें ग्रहण करेंगे। गुड, वेरी गुड। जय श्री कृष्ण। ये प्रभु श्री कृष्ण को प्यारी है इसलिए करते हैं। धन्यवाद। ऐसा है, ओ अभी एक और माता जी बताने वाली हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं लगा। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। ये तो सर्वविदित है, जैसे बताया गया है कि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है एकादशी। दूसरा, इसका महाभारत में प्रसंग आया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह, ये ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से जीव सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बताया कि एकादशी का व्रत ऐसा है कि इसको रखने से सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। एकादशी किसको करनी चाहिए? एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए? जो भगवान के भक्त हैं उनको, जो भक्ति करना चाहते हैं उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो जैसे कि कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि हम
इस पृथ्वी पे जो निवास करने वाले जीव हैं, इस ब्रह्मांड में निवास करते हैं, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ये ब्रह्मांड जो है ये भगवान के पुरुष स्वरूप कर्णोदक्षाय विष्णु जो यहाँ ऊपर दर्शाए हैं उनके शरीर के अंदर से प्रकट होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और भगवान अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय एक तरह से वहाँ की खबर लेने या देखभाल करने के लिए जाते हैं हरि के रूप में। हरि सबने नाम सुना है हरि का, हरि के रूप में भगवान इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं, केवल इस ब्रह्मांड में हरि के रूप में भगवान एकादशी के दिन हर एकादशी यहाँ आते हैं। तो क्योंकि सतयुग के समय ये बात सर्वविदित थी कि एकादशी के दिन भगवान हरि के रूप में इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए लोगों ने उस दिन को स्पेशल समझकर, स्पेशल घोषित करके उस दिन पाप करने बंद कर दिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं मैं मंगलवार को अंडा नहीं खाता हूं, क्यों, सोमवार को उस मंडे में अंडे में कुछ और होता है क्या? ऐसे एक ट्रक पे लिखा हुआ था पीछे, यहां भारत में ही, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। किसी ने उसके नीचे लिख दिया जितने खाओगे अंडे उतने ही पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो क्योंकि ये बात सर्वविदित हो गई और सब लोगों ने पाप करना बंद कर दिया, इसलिए पाप भगवान की शरण में गया कि मुझे आपने ही बनाया है। और जिस दिन आप यहां आते हैं उस दिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इसलिए जैसा कि माताजी ने बताया कि भगवान ने पाप को अनाज में घुस जाने की अनुमति दी कि एकादशी के दिन जब सब लोग व्रत कर रहे होंगे, पाप नहीं कर रहे होंगे उस दिन, तो पाप में छुप जाना, जो कोई अन्न को खाएगा वो पाप को खाएगा। तो इसलिए जो लोग भक्ति के पथ पर अग्रसर हैं, जो लोग पाप में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न से मतलब खाली चावल नहीं होता, चावल गेहूं सब तरीके की दालें, फल सब्जी सब खाए जा सकते हैं, उसको कहते हैं फलाहार। वैसे भी आयुर्वेद की दृष्टि से 15 दिन में एक दिन फलाहार का व्रत करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जितने अभी जो एकादशी के बारे में बताया, सबको समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है एकादशी के बारे में? एकादशी के बारे में किसी का कोई प्रश्न है?
अच्छा, अगर सबको समझ में आ गया तो जो लोग अभी तक एकादशी का व्रत नहीं करते थे उसमें से कितने लोगों की इच्छा हो रही है कि एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए? बहुत अच्छा। और बाकी जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और अभी भी नहीं शुरू करना चाहते हैं उनके हाथ भी देखें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी इच्छा, हमारा कार्य है बताना। वैसे ऐसे लोग कुछ खास है नहीं। तो ये एकादशी का व्रत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि ये हमें पाप से बचाता है। भक्ति के पथ पर आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम पाप से बच जाएं। हम जिस भक्ति के राह किए को फॉलो करते हैं वो दी हुई है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो भगवान के भक्त अवतार हैं। भगवान स्वयं भक्त के रूप में भी अवतार लेते हैं कलयुग में और लोगों को ये सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु ने 525 साल पहले भक्त के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल हमें शिक्षा के लिए एक शिक्षाष्टक छोड़ा। ये शिक्षाष्टक आपको भक्ति के राह के बारे में बताता है। ये शिक्षाष्टक का अनुवाद हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द स्वयं भगवान की वाणी है। श्री कृष्ण संकीर्तन के परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप की महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभो, आपने अपनी कृपा के कारण आपके पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में सफल बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके नामों से मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। ये भक्त की भावना है। व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए एक तृण से भी अधिक नीचा मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य
भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन निरंतर कर सकता है। हे सर्व समस्त जगदीश, मुझे धन एकत्र करने के लिए कोई कामना नहीं है, ना ही मैं सुंदर स्त्री, अनुयायियों या स अलंकार कविता का ही इच्छुक हूं। मुझे केवल जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति ही चाहिए। ये भक्त की प्रार्थना है। भक्त क्या मांगता है? केवल जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति मांगता है। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी न किसी कारण मैं इस जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण धूली, चरण कमर की धूली का एक कण बना लीजिए। ये भक्त की प्रार्थना है कि भगवान के चरण कमल में जो धूली है उसका एक कण केवल मुझे बना लीजिए। मुझे आपके सर पे जाके आपके क्राउन के ऊपर नहीं बैठना, चरण के नीचे। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का संकीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपका उच्चारण, आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मेरा गला, मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? केवल भगवान का नाम लेने से। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो समय कितना धीरे धीरे बीतता है, और जब हिंदी मूवी चल रही हो तो बड़ी जल्दी जल्दी। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके व्रह में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। वास्तव में ये सारा विश्व शून्य ही है, और बाकी हम सब भी शून्य ही हैं। बहुत सारे शून्य अगर ले लिए जाएं तो उसकी कितनी वैल्यू बनती है? एक शून्य की वैल्यू और 10 लाख शून्यों की वैल्यू, कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर वो सब शून्यों के आगे एक भगवान को खड़ा कर दिया जाए तो सब शून्य गिने जाते हैं, शून्यों की बहुत वैल्यू हो जाती है। एक शून्य लगते ही 10,000 से 1 लाख हो जाता है, क्योंकि आगे एक लगा हुआ है। अगर वो एक आगे से हट जाए भगवान रूपी, तो हम सब शून्य में वापस पहुंच जाएंगे। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है, और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे।